Hello students, very good morning. Jai Hind everyone. You all are welcome to our English Elga classes of TMI's home-based education with the lead school at home. Children, here I am showing you some flashcards of our letter, alphabet letter, and you have to just recognize all the sounds. I will speak the letter and you have to recognize the sound. For example, I am showing you here the letter J. 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 Okay. Letter K. 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 L. 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 M. Letter M. 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 Same way. Now you have to recognize by your own self. Letter N. अभी आप सोचो, यू जस्ट थिंक. लेटर ओ, लेटर पी, यस दैट्स गुड, वेल डन. प, लेटर क्यू, एंड माय लास्ट लेटर इज आर. यस चिल्ड्रन, जस्ट लर्न दिस ऑल फोनिक्स साउंड्स. ओके, now open your WS16, your workbook WS16. Here you have to circle the same beginning sound. Circle the picture with the same beginning sound. One I am explaining you. Come to the A line. First picture is egg. Egg. The letter is E. Second picture is pig. Pig. P. Pig. Letter is P. And last picture is plant. Per plant. Okay, letter is P. Which two pictures are same of the beginning sound? Yes, it's pig and plant. So pig pe circle and plant pe circle. Okay, same way the rest of the B, C, D, E you have to complete it. Okay? Okay children, my second topic is whole words. Today I am going to introduce you three new whole words. Let us begin, children. Here it is written letter A, but in pronunciation we will say a, a. Okay? हम जब reading करते हैं तो हमें a pen नहीं बोलना है, a pen, a pen. Now a n n. Keep your finger left to right. N. N. Okay. Where we use N, beta? N हम जब use करते हैं तो उसके आगे, किसके आगे N use करेंगे? Vowels. You know what is vowels? I taught you, beta, vowels क्या है? Yes. It's the five vowels. A, E, I, O, U. हमारी जो alphabet है, letter A to Z, उसमें से ये फाइव वॉवेल्स है. अगर उससे कोई भी वर्ड या स्पेलिंग शुरू होता है तो उसके आगे हम ए एन एन यूज करते हैं. एन, एन. एंड माय लास्ट थर्ड इज सी, सी, सी. तो दिस थ्री होल वर्ड्स यू हैव टू लर्न बाय हार्ट. और वेन एवर वी आर यूजिंग ए, ए कब यूज करेंगे? जब इट इज सिंगुलर. अगर एक ही पेंसिल होती है लाइक दिस वे, तो वी विल से अ पेंसिल. ओके, सिंगुलर, एक ही चीज होती है तो अ. नाउ लिसन चिल्ड्रन, कम हियर, आई विल शो यू सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू दिस. दिस इज लेटर ए, अ. हाउ इट इज यूज, लुक. अ माउस इन माय हाउस. एक ही चूहा था इसलिए बोला अ माउस. A mouse in my house. Mouse मेरे घर में है. Second sentence. In that story, Kiran draws a building. Kiran ने क्या draw किया? Building draw किया. एक ही building को draw किया है, इसलिए a building. Okay? जब singular word होता है, एक ही चीज होती है, तो a. Now n. Look here. I am showing you one sentence. You will get it now properly. Rohan draws an
इग्लू। इग्लू का स्पेलिंग देखिए, आई जी एल डबल ओ इग्लू, और वो आई से स्टार्ट हुआ। एंड वॉट इज आईज वॉवेल्स बेटा, अंडरस्टूड? ए ई आई ओ यू, फाइव वॉवेल्स है। अगर इससे कोई भी वर्ड शुरू होता है तो उसके आगे कंपल्सरी वी हैव टू यूज ए एन एन। आई एम शोइंग यू सेकेंड सेंटेंस। आई ईट एन एप्पल। एप्पल का स्पेलिंग देखिए, ए डबल पी एल ई एप्पल, ए से शुरू होता है। डिड यू गेट माई पॉइंट? गुड। नाउ थर्ड वर्ड इज सी, यानी देखना। द माउस कैन सी द कैट। माउस ने किसको देखा था? कैट को। एंड देन माउस रन अवे। आई कैन सी यू, मैं आपको देख सकती हूं। आई कैन सी यू बेटा। नाउ ओपन योर वर्कशीट एंड दैट इज योर डब्ल्यू एस 16 ओनली। वो ओपन करिए बेटा डब्ल्यू एस 16। कैन यू सी योर वर्कशीट हियर? क्वेश्चन टू, होल वर्ड्स, कलर द वर्ड्स प्रोवाइडेड बिलो। ए एन एन एंड सी, ये सारे वर्ड्स लोअर केस में लिखे हैं, मतलब स्मॉल ए बी सी डी में, स्मॉल लेटर्स। यू हैव टू कलर इट बाय योर ओन चॉइस कलर। यू कैन टेक एनी ऑफ द कलर चिल्ड्रेन। नाउ कम योर चिल्ड्रेन, कैन यू सी योर स्टोरी? द हैप्पी माउस इज योर SR19। SR19 पे आ जाओ। ओपन दिस स्टोरी, रीड दिस स्टोरी, डू द प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग ऑफ दिस स्टोरी बाय योर ओन सेल्फ। आपको खुद इसका रीडिंग करना है। व्हेन इट इज फिनिश, वंस इट इज फिनिश, टेक अ पेंसिल इन योर हैंड एंड, अभी मैंने कौन से तीन होल वर्ड सिखाए थे? ये वाला अ एंड सी, ये तीन होल वर्ड सिखाए थे। You have to find out in this story. ये तीन words आपको इस story में find out करने हैं। बच्चा देखिए, already we have done the circling vocabulary words. Vocabulary words जहाँ पे आता था हमने circle कर दिए है। Now you have to find out the whole words. A, A-N-N, S-E-E-C. जहाँ पे भी वो three whole words आपको दिखाई देते हैं, you have to circle it children. Okay? With your pencil. Now open your SR21. Come to your vocabulary words children. House, kitchen, garden, bed, room. Here is an activity for you. You have to open your WS17 vocabulary words. कलर द पिक्चर फॉर द वर्ड यू हियर। आपको जो मैं वर्ड बताऊंगी और सुन पाओगे आप, उसी पिक्चर पे आपको कलर करना है। कैन यू सी माई फर्स्ट वर्ड? इट्स गार्डन। गार्डन, ओके। फाइंड आउट वेर इज द पिक्चर ऑफ गार्डन ओवर हियर। यस यस, फर्स्ट पिक्चर, वेरी गुड। तो यू हैव टू कलर द फर्स्ट पिक्चर ऑफ गार्डन। My second word is, you can hear carefully beta, bed. Bed, can you see the word bed? Yes. So where is the picture of bed over here? Yes, I got it. You know it very well. It's picture third number ka picture hai. Yes. So only these two pictures only you have to color it. Garden, bed. ओके, यही दो पिक्चर को कलर करना है। कम यार बेटा, दिस इज योर राइटिंग स्पीकिंग एक्सप्रेशन। चिल्ड्रेन, कैन यू सी द लेटर आई एंड लेटर जे विथ द अपर केस एंड लोअर केस? अपर केस मतलब कैपिटल लेटर्स एंड लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स। कैन यू सी द एरोस? लाइक दिस वे ओनली यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इन योर वर्कबुक and that is your WS17. Open your WS17. I will show you here.
Yes, WS 17 question 2, letter tracing. IJ capital, IJ small. You have to trace it very nicely, okay? Now children, come here. This is one thing what I want to explain you very nicely. Think, T-H-I-N-K, think, yani socho. And draw with your pencil. कहाँ पे draw करोगे? Open your WS 18. यहाँ पे आपको पूरा पेज मिला है. You are getting one page. You have to think and draw. What you have to think? I will explain you children. Come here. Think and draw. Children, in our story, the happy mouse, as mouse was going in many places, as mouse goes many places in the house, we also think, I do in my house. Think जो हम कहाँ पे ज़्यादा करते हैं, कौन सी जगह आपको आपके घर में ज़्यादा पसंद है, जैसे कि I like garden, मुझे garden पसंद है, okay? Which place you like? For example, I will tell you, किसी को पूजा घर मतलब पूजा का कमरा पसंद है, तो किसी को बालकनी में स्विंग झूला लगा देना, तो शायद वो बालकनी पसंद है झूले के साथ. तो आप कोई भी सोचो कि आपको घर में कौन सा कमरा पसंद है, कौन सी प्लेस पसंद है, दैट यू हैव टू ड्रॉ हियर. वो ही आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है. डब्ल्यू एस 18. मुझे पता है, आई नो इट वेरी वेल, आपको जैसा आता है वैसा आपको ड्रॉ करना है. जस्ट थिंक एंड ड्रॉ इट. ओके बच्चास, नाउ आई एम कमिंग टू माई होमवर्क पार्ट. वन पेज होमवर्क इन योर नोटबुक लाइक दिस वे राइट आई जे कैपिटल आई जे स्मॉल. Draw a line in the middle with your scale and write it nicely with your excellent handwriting. And my second homework is children, you have to read your story, The Happy Mouse. Open your SR 19 to your SR 21 vocabulary words तक आपको सब reading करना है. Okay children, did you get my point? Clear? Okay, take care everyone. Till then, Jai Hind everyone. Happy learning. Bye bye.